nộ ra đâu. Hello everyone, welcome back to my channel. और आज है Saturday और सुबह के बज रहे हैं 10. Although weekend है, आज छुट्टी है, but राधा की छुट्टी नहीं है. But राधा को सुबह से डायरिया है और वो भी घर ही पे हैं. मैं उनका नाश्ता बना रही हूँ, देखते हैं क्योंकि देर में जा रहे हैं या थोड़ा रुक के जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे टाइम में बाहर जाना बहुत रिस्की हो जाता है. और दूसरी बात यह है कि हम लोगों के पास मेडिसिन नहीं है, तो इन्हें मेडिसिन तो लाने जाना ही पड़ेगा. तो अभी ऑफिस का काम घर ही में कर रहे हैं. मैंने चाय चढ़ाई है अपनी एक जगह पे मैंने सूखा पोहा बना रही हूँ. मैं बहुत अच्छा लगता है ब्रेकफास्ट के लिए और बहुत इंस्टेंटली बन जाता है, टेस्टी लगता है. इससे अगर आपको टिफिन में लेके जाना है तो 5-6 घंटे तक आप रख सकते हैं, निकालिए खाते रहिए, काफ़ी फिलिंग रहता है. सो इसकी जो प्याज है ये भुन रही है अभी. इसमें मैंने राई डाली है, हरी मिर्ची और प्याज. मूंगफली मैंने भून के रख दी है और मुझे अभी इडली का आटा भी तैयार करना है. सो गाइस, जस्ट मैंने अभी शावर लिया है और मैं लंच की तैयारी करने आई हूँ. और लंच में बना रही हूँ इडली, चटनी और सांभर. सांभर जो है वो बन गया है और चटनी मुझे बनानी है. इडली का मैंने एक बैच निकाल लिया, एक और निकाल रही हूँ. मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा बनाई है ताकि हम लोग शाम को अगर नाश्ता वाश्ता करना हो तो फ्राई करके मैं खिला दूँ इन्हें. हाँ, इनको डायरिया है. मैंने इनसे बोला खिचड़ी खा लो. नहीं, मैं इडली खाऊंगा. जिद करके इडली बनवाई है इनने. मेरा ऐसा प्लान था कि इडली स्किप करके खिचड़ी. मैंने बोला मैं भी खिचड़ी खा लूँगी, पर ये मानते नहीं, दवाई दे दी है इन्हें तो. बट आपको पता है कि जल्दी ठीक नहीं होना, तो ऑफिस तो गए नहीं है, तो ऑफिस का काम यहीं से ऑपरेट हो रहा है. और हाँ, उसके बाद इनका डिमांड है कि दही बड़े खाने हैं. आप सोचिए, किसी को डायरिया और उसकी ऐसी ऐसी डिमांड आती है. हाँ हाँ, इन्हें वहाँ दिख गए थे, ये फेसबुक पे देख रहे थे. तो आपको पता है इतनी अच्छी फोटोज रहती है, दही बड़े, चटनी सब डाला हुआ था. मैंने बोला ठीक है बना दूंगी, बस थोड़ा सा सही हो जाओ. तो चलिए कर लेते हैं काम. बाल मेरे अभी गीले ही हैं. मैं क्या कर रही हूँ, ये मैंने मूंगफली फ्राई करी थी और इसे मैं जल्दी से छिलके वो निकाल लेती हूँ. अब मैं हफ्ते हफ्ते में इडली बनाने लगी. मेरे को इडली बहुत पसंद है, मेरे को बाहर खाने से अच्छा है यही खा लो. तैयार है. ये है गर्मा गर्म सांभर, ये है चटनी और ये है मेरी इडली. इडली बहुत सॉफ्ट बनी है. तो मैं जा रही हूँ खाने, फीकी इडली खा ली. तो मैं से खाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ. I'm so happy.
मैं रेस्ट करने चली गई थी, यू नो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम थी और मुझे लगा कि यार थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, तो मैंने रेस्ट किया। और आज थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अभी भी गर्मी सी ही है, पर थोड़ा सा मौसम सही हुआ तो हमें लगा कि शाम का टाइम है संडे का तो निकल लेते हैं। तो हम लोग डूमना जा रहे हैं मैगी खाने, और वहाँ पे जाके मैगी खाएंगे और फिर देखते हैं आगे का प्लान क्या है। तो यही हो रहा था, पता है इतनी गर्मी रहती है आप कहीं नहीं जा सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि आप बाहर निकलो। दिल्ली बॉम्बे में सोचो क्या दिल्ली का हाल बुरा होगा, बॉम्बे का फिर भी थोड़ा बहुत सही हो सकता है, ह्यूमिड रहता है वहाँ का ज्यादा। हाँ क्या हुआ था, हम लोग मुंबई गए थे फेब में और गोवा गए थे, तो फेब्रुअरी में वहाँ पर ठंड नहीं थी, मतलब रहती नहीं वहाँ पर ठंड। तो जब हम लोग वापस आए थे ना, उस टाइम पे हम लोग ट्रेन में जब बैठे तो सब कुछ सही था, और जब यहाँ पे आए इतनी ठंड, हम लोग नॉर्मल कपड़े में आए थे और इतनी ठंड लगी थी सुबह, हमें कार से आने में ऐसा लगा कि बर्फ़ जम गई यहाँ पे, मतलब इतना क्लाइमेट डिफरेंस था। यहाँ क्लाइमेट ये है कि चलो थोड़ा बहुत गर्मी होती है तो बारिश हो जाती है, तो बारिश ह्यूमिडिटी क्रिएट कर देती है, तो हो गई अभी मौसम फिर भी थोड़ा बहुत सही है। हाँ तुम्हारे पेट का क्या हाल है, दवाइयाँ इन्हें ले ली है तो थोड़ा सा सही है, उसके बाद भी ये मानते नहीं है ना। क्या कर लिया, मैंने बोला कि घर में खिचड़ी खा लो। ना हो पाया खिचड़ी, अब आप बताइए दलिया खिचड़ी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। नहीं खानी चाहिए बोली है, पर ये मानते नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज मेरा पूरा पूरे मूड में हूँ कि मेरे को टाइगर दिख गया है यहाँ पे, शूट करना है उसके साथ फोटो शूट। टेंट लेके आया हूँ, टेंट लेके आया हूँ, टेंट के अंदर टाइगर घुस आके फोटो शूट। तो मैं टेंट की जरूरत किसी और चीज के लिए पड़ सकती है। मजाक उड़ा रही है, मजाक नहीं उड़ा रही है, बोल रही है ये सब उन सब पेशेंट्स का मजाक उड़ा रही है जिनको डायरिया हुआ है। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस इसलिए ये बोल रही हूँ कि तुम टेंट इस चक्कर में तो नहीं लाए, जब तक टेंट डालोगे तब तक कुछ और ना हो जाए। ये बेइज्जती हो रही है हम लोगों की डायरिया वालों की। देखो कितना प्यारा जर्मन शेफर्ड है, क्या ब्रीड है, दिखाओ 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 सबको दिखाओ, बहुत प्यारा है, मतलब ब्रीड अच्छी। आई जस्ट लव जर्मन शेफर्ड, मुझे जर्मन शेफर्ड बहुत पसंद है। दो हैं क्या, दोनों जर्मन है? हां आंटी मारेंगी मुझे, आंटी मैंने देसी है, आंटी मारेंगी। कहाँ जा रहे हो तुम, पास्ता पास्ता, रास्ता ही चेंज हो गया, धीरे धीरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने रास्ता गलत पकड़ लिया है। कुछ भी भूल गया लगता है, रास्ता रात हो गई ना। अरे उस साइड जाना था, तुम जम्मू शेफर के चक्कर में इस साइड आ गए। अच्छा सही है, नहीं सही है सही है, कि अब ये कुछ नहीं कर रहे तो क्या कर सकते हैं, राजमा ही खा लो और राजा। राजा जी और एकदम से गाय आ गई, बछड़ा था वो छोटा, इतनी बड़ी बछड़ा बड़ा, मेरे को तो दिखा नहीं, मेरा कैमरा एकदम से हाथ स्लिप हो गया, तो मैंने बेल्ट लगाई थी वरना क्या हो जाता, मेरे को लग वग जाती तो। ये आराम से चलाओ गाड़ी, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, मैगी कहीं ना पैर नहीं लगे मैगी के, तेज चला को मैं। टर्निंग पे तो और स्लो कर लेनी चाहिए, मैं होती तो बैलगाड़ी टाइप गाड़ी चलाती। सो गाइस हमने एक खा ली थी, फिर मन नहीं भरा और उसने एक बनाने में रात कर दी, मतलब अंधेरा सही हो गया, अंधेरा हो गया, शूट नहीं कर पाया, कुछ नहीं हो पाया। ठीक है वो तो ऑब्वियसली मैगी खा रहे हैं, हम लाइव जाने वाले हैं या शायद, अभी बज रहे हैं 6:30। हम लोग मैगी इंजॉय करते हैं और जो जिसका मन है अभी बनाइए और मेरे साथ साथ खाइए। क्या बनाइयो, क्या खाइए, मैगी, मैगी नूडल्स, घर में मजा नहीं आता पता। I'm so happy.
अभी आए हैं वापस और काफी टाइम हो गया. हम लोग गए थे शॉपिंग करने तो मैं बीटू गई थी, वहां से मैं नाइटी लेके आई हूँ बस एक, और इनके दो लोअर लाइक शॉर्ट्स लेके आई घर में पहनने वाले. इसके अलावा कुछ मिला नहीं यहाँ पे खास. मैं बेसिकली इस पर्पज से गई थी शॉपिंग करने कि मेरे पास घर के बहुत सारे कपड़े हो गए थे, बट मेरे पास बाहर के लिए बहुत सारे टॉप नहीं थे. तो मेरे को लगा यार अच्छे से मतलब थोड़े से ट्रेंडी लुक में लेके आऊँ, बट वी टू भी नहीं मिले. उसके बाद फिर मैं दो जगह गई हूँ क्योंकि टाइम इतना हो गया था. एक जगह गई तो उसके पास सामान नहीं था, उसने बोला कि अभी नहीं आया. वहाँ से मैं पहले लेती थी और मेरे को लगा चलो एक बार ट्राई करते हैं. फिर मैं एक और जगह गई, उसके यहाँ के टॉप तो आपको क्या बताऊँ पैटर्न ही नहीं है उन लोगों के पास. फिर क्या हुआ तो मुझे लगा कि मैं कल ऑर्डर करूँगी कुछ कपड़े. मैंने लाइन रोड वगैरह में कुछ तीन चार टॉप अलग करके रखे ऐसे ही. फिर मैं उन सब पर ट्राई ऑन हॉल करूँगी ताकि आपको मिल भी जाए. तो मेरे को लगा वो ही करना पड़ेगा क्योंकि इतना भटकने के बाद कुछ मिला नहीं. और फिर मुझे लगा कि बहुत अच्छा होता अगर मैं इतनी मेहनत ही नहीं करती तो, और आराम से बैठ के मैं IPL देख रही होती. उसके बाद बता रही हूँ क्या हुआ. उसके बाद मुझे हम लोग आ ही रहे थे, मेरा क्या मन हुआ कि मुझे पैटीज खानी है, आलू पैटीज. तो हम लोग फोर सीजन तक पहुँचे हैं, पता नहीं क्या हो रहा था. हम लोग फोर सीजन तक पहुँचे हैं और वहाँ से राजा ने बोला कि हम लोग आई थिंक सोनोग्राफी करके एक ब्लॉग आया था, उसमें हम एक जगह पे गए थे. वो एक अच्छा सा कैफे टाइप का था, नीचे से बैठने के लिए था, वहाँ पे स्क्रीन लगी रहती है, IPL चलता है. तो फिर हम लोग को लगा चलो वहाँ चलते हैं. तो वहाँ पहले तो IPL नहीं चल रहा था, फिर हमने IPL चलवाया, आवाज़ नहीं आ रही थी ठीक है. तो उसके बाद मैंने उससे बोला कि मुझे ना एक आलू पैटीज एक पनीर पैटीज. उस इंसान को आधा घंटा तक वो पैटीज नहीं लाया और हमने एक कोल्ड कॉफ़ी मंगवाई थी और एक हॉट कॉफ़ी मंगवाई थी तो वो लाया ही नहीं आधे घंटे तक. तो फिर मेरे को लगा यार पैटीज 5 मिनट में गर्म हो जाती है, उसके वो आधे घंटे बाद पैटीज लाया. बैठे रहे बहुत बोर हो रहे थे, बहुत टाइम भी हो गया था और घर जाना था मुझे. उसके बाद क्या वो जो पैटीज लाया है राजू, उसकी हालत क्या थी? वो पूरी ब्लैक कलर की पैटीज थी और मैंने सोचा कि चलो यार लेके आया खा लेते हैं, तब कौन करे. और जैसे मैंने उसे उठाया वो पूरी बिखर के टूट गई. फिर मैंने राजा ने बोला कि ये क्या आपने दिया है और ये और वो. फिर वो बोला था फिर करते हैं हम गर्म. फिर हमें लगा आधा घंटा होगा तो हमने बोला एक काम करो हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दो. फिर उसके बाद फिर हम लोग घर आए हैं. फिर घर में आके मैंने इनके लिए फिर खिचड़ी बनाई है क्योंकि यू नो इन्हें मैगी खाई थी. फिर मेरे को लगा कि अब थोड़ा सा हल्का खाना होना चाहिए. फिर खिचड़ी बनाई है फटाफट क्योंकि ऑलरेडी 11:30 हो गए थे. फिर मुझे लगा कि चलो इतना जल्दी जल्दी सारा काम हुआ है और अब मुझे ब्लॉग एंड करना चाहिए. और आपको पता मुझे लाइव भी आना था और मैं लाइव भी आई. हो सकता है कि आप भी ब्लॉग देख रहे हो तब मैं 2 घंटे बाद अनाउंस करूँ लाइव आने का, क्योंकि मुझे लाइव आना है. तो मैं मंडे, मैंने बोला 3 दिन छुट्टी में कभी भी आऊँगी मैं लाइव, संडे बोला था मैंने. बट बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं उससे हौश पौश मच गई थी, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था. 3-5 घंटे इतने वेस्ट गए हैं. फिर मुझे लगा कि मुझे बैकग्राउंड लेने जाना था, जो काम था वो नहीं हुआ, जो करने गए थे वो नहीं हुआ. सिर्फ राजा को 2 शॉर्ट्स चाहिए थे वो आराम से मिल गए. ये नाइटी मुझे पसंद आई तो मैंने ये ले ली, इसलिए मैं अभी प्रेम नाइटी है तो मुझे लगा ये ले लेते हैं. मतलब कोई काम नहीं हुआ तो अब मैं ऑर्डर करती हूँ. अगर आपको पता है कि जो टॉप्स वगैरह हैं लाइक ट्रेंडी टॉप्स वो कहाँ अच्छे मिलते हैं, मैंने ऑनलाइन आई थिंक नहीं खरीदे हैं ऐसे, तो अगर आपको पता है कोई अच्छी साइट तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए प्लीज़ हेल्प करिए. मुझे कुछ सामान खरीदना है, बहुत अर्जेंटली खरीदना है मुझे. सो चलिए आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.